ट्यूशन प्रसाद फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल ग्रीडी। हम लोग फिर दोबारा मिल रहे हैं। टॉपिक हमारा वही है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास है, है? तो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस इसमें हम लोग पिछले एपिसोड्स में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आज हम दूसरा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। किसी चीज का होल स्क्वायर बना करके और उसको पूरा का पूरा होल स्क्वायर बना लेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और भी पढ़ेंगे हम लोग फैक्ट फॉर्मूला मेथड, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मान लीजिए लिखा हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाते हुए आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड्स नहीं है और यहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो किस मेथड से बनाना है हमको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये आपके जीरो होना चाहिए ना, ये इक्वेशन से ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा है दिया हुआ, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0 और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स 1 होना चाहिए, अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो इसको 1 हम पहले बनाते हैं। तो खैर अभी यहाँ ये एक्चुअली 1 दिया हुआ है, इसलिए हम आगे सेकंड पॉइंट लेते हैं कि कॉन्स्टेंट पे हमको राइट साइड भेजेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो गया 42, माइनस 42 उधर गया क्या बन गया 42, ठीक है। तो पहला मेथड हमने क्या सिखाया, पहला पॉइंट की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है, पहले से 1 दिया हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड दे देंगे, तो हमने इसको राइट साइड दे दिया। अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में सेट करेंगे, विच ये हमारा हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिल गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म को आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर साइड दे रहा हूं तो मैं इस साइड से लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है नहीं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको इसी फॉर्म पर सेट करना है। तो हमको यह ए स्क्वायर मिल चुका है, तो ये प्लस एंड माइनस वन हो सकता है, अगर यह माइनस है तो यहां पर क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो फिर ये माइनस हो गया, सो टू ए बी, इसलिए टू ए ठीक है। देखिए ध्यान है फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए ए हो गया, तो टू इंटू ए। अब बी लाना है, बी कितना लाना चाहिए, तो अब आप बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि सर हमारे पास बी कहां से है। तो देखिए यहां ध्यान दें, यहां क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स, ये क्या हो गया 2x, इसको हमको फिर x लाना है, यानी केवल 1 लाना है, सो हम लोग लिखेंगे 1/2, क्लियर। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ x, तो हमने लिखा 2ab, सिंपलीफाई करें 2 into 2 करके आपका x आ जाएगा, ओके। अब हमको लाना है क्या लाना है भैया, प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस, कोई दिक्कत। फिर से ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये 1/2 कहां से आया, क्योंकि 2 × 2 को सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर एक्स हो जाएगा। और ये 1/2 स्क्वायर कहां से आया, वो फॉर्मूला पर सेट करना है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये हाफ का होल स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, तो बी स्क्वायर आप यहां लिखे हैं और ये 42 आपका पहले से, कोई दिक्कत इसमें। फिर से ध्यान दीजिए इसको,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कितना बचा आया, यहाँ x का था फिर 1/2 कैंसिल करेंगे आ जाएगा, b मिल चुका है तो b स्क्वायर लिख लीजिए और यही b स्क्वायर आप यहाँ भी ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपका काम आसान है, देखो तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस आपका स्क्वायर और ये क्या हो गया 1/4 प्लस 44, इसको और सिंपलीफाई कर लें तो ये 4 ये 1 प्लस 168 हो जाएगा, ऐसा ले लिया हमने ये 4 और 1 का सेम 4 1 प्लस 168 कितना आ गया भाई 169/4। अगेन ये किसका स्क्वायर है तो आप इसको लिखिएगा कि 13/2 का होल स्क्वायर है ना, 169/4 किसका स्क्वायर है 13/2 का होल स्क्वायर है। तो आगे अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिखिए प्लस माइनस 13/2, दोनों तरफ से क्या निकाला है स्क्वायर रूट निकाल लिया। देखिए यहाँ पर कंप्लीट होल स्क्वायर बनाए थे इसलिए इसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस 5 लिख लेंगे, सॉरी प्लस माइनस 13/2 क्यों ऐसा लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम है प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 मिलता है, माइनस 5 का करेंगे तो भी 25 मिलेगा है ना, इसलिए प्लस माइनस का। अब आप आसानी से बनाएंगे x इक्वल टू माइनस आप हो जा रहा है हो गया प्लस आप एंड प्लस माइनस 13/2 ये माइनस आप हो चला गया क्या बन गया प्लस आप प्लस माइनस 13/2 सॉरी तो x इक्वल टू हाफ प्लस 13/2 या हाफ माइनस 13/2 एक बार प्लस की थी और एक बार माइनस सॉल्व कर लीजिए। जब का सेम आ जाएगा और इधर सॉल्व करेंगे माइनस ठीक है, सो दैट आपका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 और माइनस 6 ठीक है, या नोट कर लीजिए 7 माइनस 6 दो आंसर आपका गया। बस वन आई पॉइंट के लिए हुआ होगा, सबसे पहले हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं फिर यहां स्क्वायर रूट से लेते हैं दोनों साइड, याद रखेंगे यहां प्लस माइनस लिखेंगे फिर इस माइनस आपको राइट साइड दे देंगे और सॉल्व कर लिए दो आंसर ओके। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये और स्पष्ट होगा। यह कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 क्या है प्रश्न, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो मैंने क्या सिखाया कि सब इसको पहले 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1 कर लेंगे जो भी कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1/2 इनटू x माइनस 4/2 तो आपका ये 2 हो गया ठीक है, या चाहे तो आप इसको इस तरह से x / 2 भी आप लिख सकते हैं x / 2 तो 2 से हमने डिवाइड किया क्या मिल गया x स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो x / 2, 2 से डिवाइड किया तो 2 इज इक्वल टू 0 ओके। तो पहला स्टेप हमने क्या किया भाई कोएफिशिएंट्स 1 बनाए, सेकंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू x / 2 इज इक्वल टू 2 ठीक है, x स्क्वायर प्लस x / 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब क्या करना है इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पर सेट करना है, क्या होता है फॉर्मूला आपको याद है a प्लस b का होल स्क्वायर यह हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, तो
हम लोग सेट करेंगे ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर और प्लस प्लस और टू टू ए बी टू ए हमारा क्या है x b क्या होगा बताइए हमें लाना है x by 2 तो b यहाँ पर क्या लिखते हैं जैसे कि वो x by 2 बन जाएगा तो x तो है ही यानी 1 by 2 so that we will write here 1 by 4 1 by 4 लिखेंगे तब ना कार्य टू से तो यही हमारा 1 by 2 है ये आपको सोचना है ना कैसे सोचेंगे बताइए देखिए 2ab 2a ये तो फिक्स हो गया b कितना लिखेंगे जिससे कि आंसर हमारा 1 by 2 हो जाए तो ये 1 by 4 लिखेंगे 2 से काटे आंसर 2 हो जाएगा सो इसे लिखना चाहिए प्लस ये हमारा b हो गया b का स्क्वायर ये क्या है b तो b का स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसी b स्क्वायर को आप यहां भी जोड़ लें और पहले से आपका 2 है कोई दिक्कत आई यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं सकते हैं कि x plus 1 by 4 का whole square और इधर वाले को सॉल्व कर लें 1 by 16 plus 2 ऐसा लीजिएगा नहीं क्या हो गया 16 सो ये 1 आया यहां डिनोमिनेटर्स 1 है तो 1 से 16 16 हो गया 32 तो 33 by 16 and this can be written as root 33 ध्यान दें तो 33 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको आप इस फॉर्म में देखेंगे रूट 33 भी कर देंगे और 16 तक जानते हैं इनको बस तो नहीं तो 33 बाय 16 आया हम लोग क्या लिखेंगे रूट 33 बाय 4 का होल स्क्वायर अब यहां से सॉल्व करेंगे आगे पे बिल्कुल तो आपने स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस 1 बाय 4 और यहां क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 ठीक है ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है हमने स्क्वायर रूट लिया तो लिखेंगे x प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 इस 1 बाय 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे x इक्वल टू तो माइनस 1 बाय 4 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 याद रखिएगा एक बार और दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा हर बार जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा सो दैट यू कैन राइट दैट नाउ आंसर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 बाय 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 बाय 4 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस लिख लीजिए अब ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता है तो यही हमारा आंसर होगा ये कौन सा मेथड है यूजिंग कंप्लीटली स्क्वायर मेथड आप इसकी प्रैक्टिस करें आपको काफी आसान लगेगा आइए एक प्रॉब्लम और बनाते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए तो ध्यान से देखिएगा कॉपी एंड पेन लेकर अगर आप बैठे हुए हैं तो आप साथ साथ स्वयं ही बना सकते हैं और वेरीफाई करते जा सकते हैं मैं वही चाहूंगा अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए हैं तो अच्छी बात है साथ साथ बनाइए और मिला के चलिए देखिए कितना आसान हो जाएगा देखिए मैं ले रहा हूं क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 क्या क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आइए सॉल्व करते हैं इसको तो हमने पहले इक्वेशन लिख लिया कोई पहला स्टेप क्या है कोएफिशिएंट्स 1 बनाना है या 4 दिया हुआ है 4 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर 4 से डिवाइड किए थे हो गया रूट 3x 4 से डिवाइड किए थे हो गया मेरा 3 by 4 इज इक्वल टू 0 ओके तो पहला स्टेप हमने क्या किया 4 से हम डिवाइड कर लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 by 4 0 ये 4 को कैंसिल हो गया अब इसको सेट करना है यानी कांस्टेंट टर्म को पहले राइट साइड में
एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर। ओके अब सेट करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी यानी टू इंटू एक्स अगेन टू ए बी लाना है, बी का क्या लाइन नहीं है रूट थ्री दिया हुआ है लेकिन यहाँ टू आ चुका है इसे लिखा है रूट थ्री बाई टू, टू इंटू कट जाएगा रूट थ्री एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी फिर बी स्क्वायर यानी रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखिए रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई फोर, जो आपने ऐड किए वही राइट साइड पे ऐड कर सॉल्व करें आप तो ये मिल जाएगा x plus root 3 by 2 का whole square and r is 3 by 4 minus 3 by 4 that is 0। ओके अब ये 0 जो है किसी चीज का स्क्वायर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, इसको होल स्क्वायर लिखने की जरूरत भी नहीं है, किसी चीज का स्क्वायर 0 है इसका मतलब वो टर्म अपने आप में 0 है, सो दैट हियर यू कैन राइट that x plus root 3 by 2 this is 0। x plus root 3 by 2 क्या रहेगा वो 0 रहेगा और जैसे ही 0 हुआ तो आपको मिल रहा है x is equal to minus root 3 by 2। ठीक है तो यही आपका इसका आंसर हो गया, ये काफी आसान था। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है ये, अगर आप इस मेथड को इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला हमने क्या किया बताइए, पहला किया कि कोफिशिएंट्स को हम 1 बनाते हैं, है ना, आपके बुक में जो है दूसरा मेथड दिया हुआ है इसी को पहले होल स्क्वायर बना लेते हैं, यहां पे होल स्क्वायर दिया हुआ है जैसे 4 दिया है 2x का होल स्क्वायर बनता है और नहीं है तो उसको होल स्क्वायर बनाते हैं। हम उससे भी आसान हमने किया, हमने किया कि इसको सबसे पहले हर बार 1 बना लेंगे, तो 1 बनाने से क्या हुआ 4 से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया रूट 3x प्लस 3 बाई 4 जो हुआ। अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले लीजिए, सेकंड फॉर्मूले पर सेट कीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर b कहां से लाते हैं तो आप उस पर वाले टर्म को ध्यान से दीजिए तो 3x लिखा हुआ है तो 2 into a इसमें क्या ये दिया हुआ था 2 into a b लाने के लिए रूट 3 है तो रूट 3 बाई 2 तो रूट 2 बाई 2 कैंसिल होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आगे जाएंगे। सो इट इज बी स्क्वायर इधर भी राइट के इधर भी राइट के और फिर हमारा काम काफी आसान हो जाता है। ओके तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आपके लिए क्लियर हो गया, आप इसका काफी प्रैक्टिस कर लें और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपने इस तरह से दो मेथड पढ़ा, पहला मेथड पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड पर, है ना। तो फॉर्मूला मेथड से क्या कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, है ना। इसी को डिराइव करके उसने फॉर्मूला निकाला है, राइट, आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो x क्या लिखते हैं भाई, x का फॉर्मूला दिया गया है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी वाई टू ए, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी वाई टू ए वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कुछ बुक्स में आपको डायरेक्ट नहीं पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, क्या लिखते हैं बताइए वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो ये भी आपका सही है कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन हमने इस पर फॉर्म में लिखा कि हमने इसको डी मान लिया, डी मानना क्या है डी दिया हुआ है डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट और तो वो डिस्क्राइब करता है रूट्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है, वो हमारा एक स्पेसिफिक टर्म है इस चैप्टर के लिए। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिया है, तो आप इस फॉर्म में नोट किया a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा तभी आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x का क्या फॉर्मूला है ये माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए वेयर डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
आगे बढ़ते हैं इसको, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग हिसाब बनाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला मैं समझता हूँ आप नोट कर चुके हैं। आइए हेलो कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सबसे आसान ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम लिया, इस प्रॉब्लम को लिया तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना होगा कि आप इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए ना। तो इसको इसको अगर कंपेयर करें तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, देखिए ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है ऑपोजिट ऑफ एक्स, बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, सी का वैल्यू कितना हो गया माइनस 13, ठीक है। ये काफी आसान होता है, सारे बच्चे इसको बना लेते हैं, दिक्कत हो जाती है, कॉम्पिटेटिव स्क्वायर में भी दिक्कत हो जाती है, मगर फॉर्मूला मेथड मैं समझता हूँ कि क्लास के सबसे कमजोर बच्चे भी इसको बना लेते हैं क्योंकि उनको आसान लगता है, किसी भी फॉर्मूले में उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते हैं आसान लगता है। एनीवे आप उसे सॉल्व करना सीखिए। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सिंप्लीफाई करके आप उस फॉर्मेट में लाइए तब यूज कीजिए। ये सबसे पहले हम डी की वैल्यू ले रहे हैं, ये डी सी का, ये काफी सावधानी से ले लो, उसमें अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ या और फर्दर कहीं मिस्टेक करते हैं तो फिर दूसरे। तो b हो गया आपका माइनस 1 का होल स्क्वायर 4a, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 13। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट में करके लिखें जिससे कि प्लस माइनस का मिस्टेक कम से कम हो सके। तो b का वैल्यू माइनस 1, b स्क्वायर 4ac, सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका प्लस 120, सो दिस इज 121, ठीक है। तो ये आपका डी निकल चुका है, आगे बढ़ते हैं। डी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्लूइड्स में, डी अगर पॉजिटिव आया तब सॉल्यूशन पॉसिबल है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं हियर डी इज बेटर देन 0, डी इज बेटर देन 0, सो आप इस टर्म को लिख सकते हैं रूट्स आर रियल, ठीक है। वी क्या है हमारा पॉजिटिव है, इसलिए रूट्स क्या हो गया रियल रूट्स, यानी रूट्स हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर ये लेस देन 0 हो जाए यानी डी का वैल्यू अगर आपका मान है माइनस का हो जाएगा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आपका रियल रूट्स नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फिर सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं भाई, क्योंकि नेगेटिव टर्म का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रूट अंडर बोलिए रूट 25 को आपको 5 मिल जाता है लेकिन रूट अंडर माइनस 25 अभी तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। So that it doesn't exist. तो आप ये स्टेप्स ले सकते हैं, सॉल्व हो जाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बताइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, और कीजिए माइनस बी का वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस डी का वैल्यू आ गया कितना 121 टू इनटू 1, ओके। क्या क्या था आपने बताइए, ए बी एंड सी आपने लिया, पहले आपने डी निकाला, डी आपका पॉजिटिव है, आप लिख सकते हैं रूट्स आर रियल, प्रोसीड करेंगे, डी अगर नेगेटिव आ गया तो आप सीधा लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सीधा लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का हल संभव नहीं है। आगे तो एक्स क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, पुट ऑल द वैल्यू एंड सिंपलीफाई, ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस 11 बाई 2, तो 1 प्लस 11 बाई 2 और 1 माइनस 11 बाई 2, एक बार प्लस की अलग हो जाएगी और एक बार माइनस की, सो दिस 12 बाई 2 दैट इज 6 और माइनस 10 बाई 2 और माइनस 5,
काफी आसान है। आइए एक और प्रॉब्लम से लेते हैं और इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी फॉर्मेट दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करेंगे और इस फॉर्मेट में लाएंगे, जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू फॉर्म में लाएंगे और उसको फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 3x2 - 6x + 3 = 0। -6 c = 3 ठीक है। ये कहां से आया नहीं है, आपने इसके साथ कंपेयर किया है x² + 3x + c = 0 कंपेयर किया तो आपको a कितना मिल गया 2 b - 6 c 3। अब आप d निकालेंगे b² - 4ac 4 × 2 × 3 ठीक है। -6² - 4 × 2 × 3 सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 36 - 24 सो दिस इज योर 12 हियर d इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर 5। तो आप x निकालते हैं क्या फॉर्मूला -b + -√3y/2a क्या फॉर्मूला x को दिए -b + -√3y/2a। आप आसानी से वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है आपका 12/2a/2 2 6 + 12 = 12 और बच गया थी इसलिए इसको मिक्स और नाप भी सकते तो ये जाएगा 2√3/4 यानी आप सेपरेट हो जाएंगे और आप क्या पा रहे हैं यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा तो आप कैंसिल फॉर्मूले के लिए दूसरे काटे 3 दूसरे काट लिए एंड सो माइनस 2 फिर वही बात हो गया जाने सो 3 - √3/2 आपको सिंपलीफाई करके ऐसा लिखना चाहिए ऐसा ऑलवेज सर्टेन सिंपलीफाइड फॉर्म कोई दिक्कत इसमें। आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं स्टेप से। तो करना क्या है आपको ए बी सी निकालना है पहले डी निकाल लेना है और डी अगर आपका पॉजिटिव है तब लेंगे रूट साइड लिया और फिर इस फॉर्मूले में आपको इंटरनल सॉल्व करना है। डी अगर नेगेटिव आता है तो आप वही लिखते हैं कि रूट साइड नॉट रियल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल यानी इस प्रश्न का हल संभव नहीं। आइए आगे बढ़ते एक और प्रॉब्लम लेते हैं स्टेप पर।
I think we have discussed all the problems here. Just take one more problem. X square minus 3x minus 10 equal x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay? So, solve it. Here a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 10. Okay? Calculate the value of t. Now 4 into 1 and c. C can be given minus 10. So this is 9 plus 14. This is 49. We will write c greater than 0 or roots are 0. Yes. Well of x minus b plus minus root t by 2. Minus 3, I mean minus of minus 3. आप bracket में करके use को करें. आसान रहेगा. D का value कितना है? 49. Now 2 into 1. So D क्या हो जाता है? 3 plus minus root 49. Solve कर लेंगे. 7 आएगा. Separate लेंगे. 3 plus 7 by 2 और 3 minus 7 by 2. And 10 by 2 is 5 or minus 4 by 2 or minus 2. तो उम्मीद है आप इस मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे. तो आज हमने डिस्कस किया, एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा था फॉर्मूला मेथड, और सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड. और ये तीनों मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया जाएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो भी हमारे से रूट्स निकलेगा उसकी प्रकृति क्या है, उसके नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये तो हम लोग डी निकालते हैं, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. डी क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, विभक्त कारक. तो डिस्क्रिमिनेंट्स के द्वारा यानी को डिस्क्राइब करता है, कहता है कि डी अगर हमारा लेस देन जीरो हो यानी निगेटिव हो तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल. इसका अर्थ है ना, डी अगर निगेटिव हो गया तो क्या कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल. उसी तरह से डी अगर हमारा जो है पॉजिटिव वाला है, या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए. ऐसे केसेस में हम लोग लिखते हैं रूट्स आर रियल. अब कह रहा है कि डी अगर केवल पॉजिटिव हो तब हम लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. इसी को दूसरी भाषा में हम लोग लिखते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब बिल्कुल अलग 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 है. एंड रूट्स आर रियल है अनइक्वल, और डी अगर हमारा जीरो है, यही पार्ट्स दो पार्ट्स में टूट गया है ना, ये जो था हमारा दो पार्ट्स में टूट गया है. डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्या जाएगा, रियल है अनइक्वल, और डी अगर जीरो हो गया तब हम लोग लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये सिंपली इक्वल रूट्स, equal roots is always real. So please note down these four properties of D. तो हमको D निकालना ही है ना, D क्या कहलाता है? Discriminant. D अगर less than zero है तो लिखा है roots are not real. D अगर greater than equal to zero यानी positive है तो हम लिखेंगे roots are real. Either zero or positive. If simply it is positive then we write roots are real and unequal. और सी अगर जीरो है तो लिखाएगा रियल एंड इक्वल, यानी वो वास्तविक है और बराबर. ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं.
सारे कंडीशंस आपके पास होंगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्रश्न क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, जब रियल एंड इक्वल रूट्स हो। कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब समीकरण को आपके समीकरण को कैसे रूट्स नियम है, वास्तविक होना चाहिए और बराबर रूट्स होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हमको के का वैल्यू निकालना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या था, याद होगा d इज इक्वल टू 0 है ना। तो हम लोग उस कंडीशन को, उस शर्त को यूज करेंगे और उसके उपयोग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे है ना। आइए इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए का वैल्यू कितना है, वैल्यू 9। बी का वैल्यू कितना है, एक और बच्चे गलती करते हैं है ना। बी का वैल्यू जो है हमारा ए ए है, यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को छोड़ के क्या है इसका कोफिशिएंट, 8k। 8k लिख लेते हैं प्राय बच्चे, या तो k लिख लेते हैं या केवल 8 लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या हो गया 9, बी का वैल्यू 8k और सी का वैल्यू 16, ठीक है। अब सीधा कंडीशन पर आइए, क्या कह रहा है कंडीशन, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है, डी इक्वल टू 0, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है भाई, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ऑफ वैल्यू टू की डी का, यानी 8k का होल स्क्वायर माइनस 4, डी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 16। तो आपने ये प्रूव कर दिया, आपने क्या क्या काम किया, पहले देखिए सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू निकाल लिए और कंडीशन था रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके लिए आपने लिखा डी इज इक्वल टू 0, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू का पुट कर लें, 8k स्क्वायर माइनस 4916 इक्वल टू 0, सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 64k स्क्वायर है ना। ध्यान दें ये 4 × 16 = 64 हो ही रहा है, तो आप इसको 64 × 9 रख दें, थोड़ा सिंपल है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 64 से डिवाइड कर देंगे है ना। तो यहां हमारा हो गया 64a² और ये 64 × 9 इक्वल टू 0, एंड सो दैट वी कैन राइट दैट k² माइनस 9j 64 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अदरवाइज आप यहां मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिवाइड करते आपकी इससे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 9 जीरो है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 9 और वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाता है, प्लस 3 और माइनस 3, ठीक है। एक स्क्वायर 9 है, सी का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो प्लस 3 होगा या माइनस 3 होगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर रियल रूट्स
क्या करना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर रियल रूट्स ऑफ kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब कंडीशन क्या है, अब आपको रियल रूट्स कैसे निकालना है, कोई बात नहीं, ये भी सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू माइनस 2, एबीसी हम निकाल लिया। अब हम लिखेंगे कि फॉर रियल रूट्स, व्हाट इज कंडीशन फॉर रियल रूट्स, b शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। फॉर रियल रूट्स कंडीशन इज b ग्रेटर और इक्वल टू 0। Now this means b square minus 4ac greater than equal to 0. B का वैल्यू है minus 6 का होल स्क्वायर 4a. A का वैल्यू हो गया आपका a, c का वैल्यू हो गया minus 2 greater than equal to 0. सॉल्व करें इसको, ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 4 to the 8 a greater than equal to 0. ठीक है, यानी यहां से सॉल्व करें आगे तो हम लोग मिलेगा कि भाई 8a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 36, ये 6 का स्क्वायर 36 था, 4 टू 8, सो 8a 36 दिस साइड, तो 8a इज ग्रेटर देन माइनस 36 और वैल्यू ऑफ a माइनस 36 बाय a, ये कैसे हो रहा है कर लें। माइनस 9 बाय 2, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ k फॉर रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसी कंडीशन के हिसाब से डेटा, ये कंडीशंस आप लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। इस तरह से हम लोग ने सीखा, ये थोड़ा जैसे फॉर्म में दिया हुआ है ना, क्या इंटीग्रल्स नहीं है, आप फिर भी आप बना सकते हैं। देखिए कहता है इफ द इक्वेशन वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, then so that c square equal to a square into 1 plus m square. So this is your question. तो क्वेश्चन देख के आपको बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत भारी क्वेश्चन होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, गौर से देखिए काफी इजी होगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये तो प्री इक्वेशन फॉर्म में है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कह रहा है हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का कंडीशन लाना है, सिंपलीफाई करेंगे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो अब फिर इक्वेशंस में हम लोग देख रहे हैं कि c भी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहां कैपिटल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, है ना। हियर a इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, b equal to 2mc और c equal to c square minus कोई दिक्कत, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा जो है स्मॉल c स्मॉल a दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे कैपिटल फॉर्म में चलेंगे। तो हमने मान लिया a निकाल लिया 1 प्लस m स्क्वायर, b निकाल लिया हमने 2mc और c निकाल लिया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कंडीशन, इक्वल रूट्स, सो फॉर इक्वल रूट्स
क्या कंडीशन हो जाएगी, b इक्वल टू जीरो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, ठीक है। इक्वल टू से कंडीशन क्या है, b इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4, अब आपका काम है वैल्यू पुट करना, बताइए b कितना दिया हुआ है, 2mc स्क्वायर माइनस 4a, a आपका दिया हुआ है 1 प्लस m स्क्वायर, और c दिया हुआ है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो। अब आपने यहां तक काम कर लिया, यही आपका मेन वर्क हो गया। अब यहां से सिंपलीफाई करके आपको सबके रिजल्ट ला देंगे, ठीक है, आइए देखिए इसको करने की कोशिश करें, तो इसका होल स्क्वायर बनेंगे क्या हो जाएगा, 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 4 आप रहने दीजिए, ब्रैकेट इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से करेंगे क्या मिलेगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर m स्क्वायर से करेंगे तो फिर मिलेगा आपको m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या आपने किया भाई, आपने किया है कि 2mc का होल स्क्वायर कर लिया, 4l स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 रहने दीजिए, और पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर से करेंगे m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, अब क्या करें ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये मिलेगा 4l स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m² c² - -4m² a² = 0, ठीक है, तो इस 4 से हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम पा रहे हैं कि 4m² c² 4m² c² हमारा कैंसिल हो गया, ठीक, क्या क्या बचा वो आप देखिए, पहले माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² जीरो, हमारे पास ये तीन टर्म्स बच गए, आप देख रहे हैं सभी में 4 है, तो 4 को भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो 4 हमने कैंसिल किया, क्या मिल गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल जीरो, ठीक है। अब देखिए ये c स्क्वायर निकालना है, c स्क्वायर को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, c स्क्वायर को ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, और देखिए यही आपको लाना है, आप इसको बेड के बाद कर ले सकते हैं, ठीक है, सो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या था, जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन था हमारा इक्वल रूट्स, तो हमने इक्वल रूट्स के लिए सॉल्व करना है और ये रिजल्ट लाना है, तो घबराना नहीं है, हमको अच्छी तरह से फिर उसी फॉर्मूले को यूज करना है, तो हमारे कंडीशंस में सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में हमारा स्मॉल लेटर c और a दिया हुआ था, इसलिए कोई एक भी लेटर दिया हुआ है तो हम कैपिटल फॉर्म में हमने यूज कर लिया, a इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, b इक्वल टू 2mc, c इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या था, t इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0, सभी का वैल्यू पुट करते हैं और उसको हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई पर सावधानी से करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे और सिंपलीफाई करने पे हमारा ये, तो इस तरह से हमने आपको आज पढ़ाया इस एपिसोड में, पहला हमने शुरू किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फिर फॉर्मूला मेथड और तीसरा पॉइंट हमने लिया नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और पहले अध्याय में एपिसोड्स में हम लोग ने किया था फैक्टराइजेशन मेथड्स, तो उम्मीद है कि आप इसको काफी प्रैक्टिस करेंगे, और अगले अध्याय में अगले एपिसोड्स में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे, तो उसमें व्हाट्स प्रॉब्लम इसको बनाएंगे।
है ना, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे, आपके अच्छे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे रिजल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।